Om Ajnanitamiram Dasa Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Yaistadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Vancha Kalpadurbhasa Kripa Sindhu Bhayavacha Patitanang Pavanebho Vaisnavebha Namo Namaha Nama Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gauratu Se Namaha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopi Sahagopika Kanto Sri Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari Vrishabhaya Nusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindaye Tulasidabhyai Priyaye Kesavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattavatai Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauru Bhakta Vrinda Balahari Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Hari Sarapratham Mri Guru Pad Padma Nitrila Pravishnam Vishnu Pad Ashtodara Satasri Sri Sri Madhu Bhakti Sri Rup Siddhanti Goswami Maharaj ke charno kamal mein anant koti sashtang dandavat pranam karna chahta tatpashchat madhya sikhya guru pad padma nitilila pravishnam vishnu pad ashrotar satasri sri sri mad bhakti vedant srila narayan goswami maharaj ke charno saraj mein shraddha pushpanjali arpan karta hu upasthit vaishnav vaishnavi sabhi ko main yathajogya pranam karta hu हरे कृष्णा गतगल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे राधा रानी का जो प्रेम है साधारण जीव का बात छोड़ दो जिस प्रेम को कृष्ण भी स्वयं पार नहीं पाते इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बोले ब्रह्मे स्वरादि सुदुरुह पदारविंदम श्रीमद् पराग परमाद्भुत वैभवाया वो कहते हैं राधा रानी का जो प्रेम है बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुरु हां जिस प्रेम को स्वयं ब्रह्मा भी राधा रानी के चरण को ब्रह्मा भी प्राप्त नहीं कर पाए इसलिए ब्रह्मा जी बरसाना में पर्वत होकर जन्म ग्रहण किए और कहते हैं हम ब्रजवासियों का ब्रज में जो गांव के बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं उनके घर को सामने पत्थर रूप में जन्म लेना मैं चाहता हूं ब्रह्मा जी से पूछे आप इतने बड़े हैं आप इतने बड़े होकर के क्या प्रार्थना कर रहे हो तो सोचो तो कि छोटे जाति जो लोग हैं उनके घर को पीछे सामने पत्थर बनना चाहते हैं और छोटे जाति का लोग आपका सर के ऊपर चरण रगड़े तब ब्रह्मा जी कहते हैं भैया जत मुकुंदम जीवितम जानते हो ब्रजवासी कितने सौभाग्यवान मुकुंद मतलब होता है जिसका हसी मुकुंद एक नाम है मुक्ति ददाति च जो मुक्ति देते हैं और क्या होता है मुक्ति सुखम कुत्सतम कृत्वा मतलब अगर किसको कृष्ण भक्ति मिले तो जो मुक्ति सुख जो कुत्सित करके जो परमानंद को प्राप्त करते हैं और मुकुंदम मतलब जिनका जो हसी एक कुंद फूल होता है हैं बड़ा सुंदर है कहते जिनका हसी कुंद फूल जैसे इसलिए उनका नाम मुकुंद कहते ब्रजवासी कृष्ण इनका प्राण क्या है बोले कृष्ण जो हंसते हैं ना उनका हसी को देख करके उनका जीवन धन्य हो जाता है इसलिए हसी ही जीवन का प्राण है इसलिए ब्रह्मा कहते भैया ब्रज के बाहर जो छोटे जाति के लोग होते हैं ना उनसे ज़्यादा मैं सौभाग्यवान नहीं हूँ उनसे ज़्यादा मैं सौभाग्यवान नहीं हूँ इसलिए उनके घर को सामने पत्थर अगर बन कर गिराए तो मेरे जीवन धन्य हो जाएगा बोले ब्रह्म में बोले स्वरादि
शंकर भी, बोले शंकर भी जिस राधा रानी के चरणों को पाना शंकर के लिए भी दुर्लभ है, इसलिए शंकर जी रासों में प्रवेश करने के लिए उन्होंने गोपी रूप भी धारण कर लिया, लेकिन गोपियों ने उनको चोटी पकड़ कर शंकर जी को बाहर निकाल दिया और उनको दरवान हैं। शंकर जी अभी भी गोपी सरसीव रूप में दरवान का काम करते हैं, हैं? बोले श्री ब्रह्मेश्वरादि, आदि मतलब नारद जी भी है, हैं? नारद भी गिरिराज तलेटी में नारद और गोपी रूप में जन्म लेने के लिए गिरिराज को आश्रय करते हुए वो भी तपस्या करते हैं। बोले आदि कहते उद्धव जी हैं, राधा रानी का चरण कमल इतने दुर्लभ है कि तो उद्धव जी भी जब उन्होंने गोपियों को प्रेम का दर्शन किया, कहते हैं उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी बाजे प्रेम की ढोल। जहाँ पर ब्रजवासियों का प्रेम गोपियों की राधा रानी की नंद जसोदा के देख करके, बोले जो उद्धव है ना वो शुद्ध हो गयो, शुद्ध मतलब एकदम सीधा हो गए हैं। गोपियों की बोली सुन करके उदाहरण दिया ज्ञान कैसे है, बोले एक टुक टुक डम्बरू है, और ब्रज प्रेम कैसे, बोले ढोल है, जब ढोल जो जोर से बजे उसको सामने डुग डुगी बजाओ ना, वो कोई कुछ नहीं होता है। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति भी है, इसलिए ब्रज में उद्धव जैसे व्यक्ति क्या प्रार्थना करते हैं, गुलमल लता औषधिना प्रार्थना करते हैं, क्या मेरे ऐसे सौभाग्य होगा उद्धव जैसे व्यक्ति कृष्ण का मित्र हैं, कहते कृष्ण का मित्र मंत्री, कृष्ण को परामर्श देने वाले, बृहस्पति का शिष्य और उद्धम बुद्धि सतम, बुद्धि में बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि जिनकी, बड़े प्रखर बुद्धि जिनकी, जिसके लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं उद्धव जी तुम मेरे जितने प्रिय हो मेरे पुत्र ब्रह्मा भी उतना प्रिय नहीं, मेरे हरिहर एकात्मा शंकर भी इतना प्रिय नहीं, कहते लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं, बलदेव प्रभु प्रिय नहीं, मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं। मतलब उद्धव जी कृष्ण का इतने प्रिय है, इसलिए उद्धव जी तीन चीज को प्रार्थना किया, क्या क्या है, बोले यहाँ पर मैं घास बन जाऊँ। बोले घास क्यों बनना चाहते हो, बोले ब्रज गोपियाँ जब कृष्ण से मिलने के लिए श्रृंगार करते हुए अभिसार करते हुए जब चलेंगे, चलना ही तो पड़ेगा, अगर मैं घास बन कर रहूँगा ना फिर मेरे सर के ऊपर चरण पड़ेगा, उनका धूल मिल जाएगी। बोले वहाँ के लता पता होना चाहते हैं, बोले क्यों, बोले कभी तो कुंजो कुंजो में लीला करेंगे, करेंगे तो फिर उनको लीला दर्शन कर पाऊँगा अगर मैं लता बनूँगा। तीसरा चीज कहते यहाँ के औषध वृक्ष बनना चाहता हूँ, बोले क्यों, कभी बीमार पड़ेंगे दवा तो खाएंगे, तो दवा जब खाएंगे उनका हृदय में चला जाऊँगा। इसलिए राधा रानी का चरण इतने दुर्लभ है, दुर्लभ है। बोले ब्रह्मेश्वरादि मतलब आदि ईश्वर कौन, बोले कृष्ण। कभी कभी राधा जी की चरण कमल कृष्ण के लिए भी दुर्लभ होता है, कृष्ण भी जिनकी चरण को, इसलिए वृंदावन में सेवा कुंज क्या है, जहाँ पर कृष्ण राधा रानी की चरण की उन्होंने सेवा की थी, इसलिए राधा रानी मान करने पर कभी कभी कुंज में कृष्ण को भी प्रवेश करना कठिन हो जाता है, इसलिए ऐसे श्री राधा रानी का चरण कमल है। इसलिए इसी जगत में कृष्ण श्रीमान महाप्रभु रूप में आने का यही कारण है। पहला कारण क्या है, बोले राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है, अभी हम आज सुनेंगे दूसरा कारण क्या है, क्यों कृष्ण कलयुग में श्रीमान महाप्रभु बन करके क्यों आए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं, आज ये चीज को हम लोग श्रवण करेंगे। बोले सोमाधुर्य देखि कृष्ण करे विचार, कृष्ण जब अपना माधुर्य को दर्शन करते हैं, हैं? जैसे कृष्ण जब अपना रूप को मणि की स्तंभ को ऊपर जब दर्शन करते हैं, अपना परछाई को, अपना माधुर्य को, कृष्ण कहते अपरकलित पूर्वम कश्च मात कर कर, बोली लड़का क्या कौन है, हैं? कृष्ण कहते भैया ये लड़का कौन है, इतने सुंदर है ये लड़का, हाँ? इसलिए कृष्ण स्वयं अपना रूप को देखकर चमत्कृत हो जाते हैं, इसलिए कभी कभी उनके मन में इच्छा होता है ये रूप को पूर्ण रूप में कौन आस्वादन करती है, सब भक्त लोग आस्वादन करती हैं,
लेकिन पूर्ण रूप में कौन इसको आस्वादन करते, बोले राधा रानी है। इसलिए कृष्ण गमन में इच्छा होता है काम ए राधिके व, मतलब कब मैं राधा रानी बनूं, राधा रानी बनकर के ये रूप को मैं कब आलिंगन करूं। इसलिए कृष्ण अपना माधुर्य को देख करके स्वयं मुग्ध हो जाते हैं। इसलिए अद्भुत अनंत पूर्ण मोर माधुरिमा, कृष्ण सोचते हैं मेरे जो मधुर है वो अद्भुत है, हैं ये अद्भुत है और अनंत है, जैसे मेरे माधुर्य का कोई अंत नहीं, या अंत नहीं कहते और क्या, बोले पूर्ण हैं मेरे जो माधुर्य, पूर्ण मेरे मधुरिमा है। लेकिन त्रिजगत यार कह नहीं पाए सीमा, कहती ये तीन जगत में मेरे माधुर्य को कोई भी सीमा नहीं पाते हैं, इतने भगवान के माधुर्य, भगवान के अंदर में मधुरता है। लेकिन केवल श्रीमती ही आस्वादे सकली राधिकार शुद्ध प्रेम दर्पण अत्यंत, कहते ये माधुर्य को पूर्ण रूप में कौन आस्वादन करते, बोले श्रीमती राधा रानी आस्वादन करती हैं। इसलिए एक उदाहरण दिया है, कहते राधिकार प्रेम कैसे है, कहते एक दर्पण एक शीशा है उनका, हम माधुर्य कैसे राधिकार शुद्ध प्रेम एक दर्पण है, कहते दर्पण का स्वच्छता है, हैं कहते कृष्ण कहते हैं राधा रानी रूपी दर्पण के सामने मैं जब खड़ा हो जाता हूँ, खड़ा होने पर मेरे माधुर्य का तो कोई सीमा नहीं, मेरे माधुर्य बढ़ता रहता है, मेरे माधुर्य बढ़ता रहता है, बढ़ते रहने क्या होता है, पर वो जो रिफ्लेक्शन होता है राधा रानी रूपी दर्पण के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होने पर क्या होता है, कहते राधा रानी का प्रेम कल सुन रहे थे, राधा रानी का प्रेम जितनी रिफ्लेक्शन होता है ना उतना राधा रानी का प्रेम बढ़ती है, अगर बढ़ती है फिर उसका फिर कृष्ण का प्रेम भी बढ़ती है, फिर उनका जो स्वच्छता राधा रानी का जो प्रेम वो भी बढ़ती है, ऐसे बढ़ते 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 दोनों में कंपटीशन हो जाता है, हैं कंपटीशन होता है, कंपटीशन होते 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 लास्ट में कृष्ण ही लास्ट में फेल हो जाते हैं और राधा रानी जीत जाती है, हैं कहते राधा रानी के प्रेम की इतने दुर्लभ जिसको कहते मादन्ना के महाभाव जिसको कहते हैं, इसलिए वहीं पर कृष्ण चाह करके उसको ऊपर में कृष्ण और उठ नहीं पाते, कृष्ण नहीं चाह सकते हैं, हैं इसलिए परस्पर बढ़िया था कि हाँ कहते सही सियो माधुर्य राधिकार प्रेम दर्पण नित्य देखिया आस्वादन अमर लोभ जन्म। इसलिए कृष्ण जब अपना माधुर्य को राधा रानी रूपी दर्पण में जब वो दर्शन करते हैं, मतलब इतने सुंदर कृष्ण लगते हैं, जब दर्शन करके कृष्ण का मन में भी इच्छा होता है भैया मेरे अंदर में जो इतना माधुर्य इतना प्रेम को इसको कैसे आस्वादन करूँ, कहते ये प्रेम को राधा रानी पूर्ण रूप में आस्वादन करती हैं राधा रानी, इसलिए जब तक मैं राधा नहीं बन जाऊँ तब तक ये प्रेम को मैं आस्वादन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर कहते बोले कोटि नेत्र नाही दिल सबे दिल दुई ताहते निमिष कृष्ण देखी व के मुई, तो उन्होंने यहाँ से एक उदाहरण देकर बताए, कृष्ण जब गोचारण करके जब वापस आते हैं तब कृष्ण सुंदर सुंदर मिष्टि मिष्टि कृष्ण बंसरी बजाते हैं, अभी बंसी ध्वनि सुन करके सारे ब्रजवासी क्या करते हैं, सारे काम धंधा छोड़ करके वो बाहर निकल कर आते हैं और कृष्ण को दर्शन करते हैं। यहाँ पर कहते श्री गोपी गीत का एक श्लोक को यहाँ पर उद्धृत किया, बोले अटती जद भवान नन्ही काननम कोटिल त्रुटि जुगायते त्वांग मपस्यताम कुटिल कोंतलम श्रीमुखम चते जड़ देखसताम पक्ष्म की दृशम। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, जब कृष्ण आते हैं तो गोपियाँ उनको दर्शन करती हैं, उदाहरण दिया कृष्ण का मुखमंडल कैसे है, कहते जैसे एक कमल पुष्प है, हैं कहते जैसे अब तक कृष्ण का जो घुंघराली जो केस है वो कैसे है, जैसे किसी कमल फूल के ऊपर में जब जैसे कोई भौंरा बैठते हैं, मतलब और भी शोभा बढ़ जाती है। कहते गैया का खूर से जो धूल उड़ उठा वो कैसे है, जैसे पाउडर लगाते हैं ना, पाउडर लगाते हैं, हैं इसलिए कृष्ण में कोई भी चीज़ है, कृष्ण में कोई चीज़ लगा दो ना वो
वो सुंदरता बढ़ जाती है, हैं? किसको शरीर में अगर खून पर गिर जाए अच्छा थोड़ी लगेगा, लेकिन कृष्ण जब रंगशाला में प्रवेश करते हैं, उन्होंने जब उन्होंने कुबले हाथी को उन्होंने मारे, सारा शरीर में खून खून लगा हुआ था, लेकिन उसी समय में भी कृष्ण देखने में सुंदर लग रहे थे, और भी सुंदर लग रहे थे। इसलिए सुंदर किम असुंदरम, हम लोग कपड़े चुपड़े अलंकार क्यों धारण करते हैं? अपना सुंदरता बढ़ाने के लिए। लेकिन कृष्ण क्यों धारण करते हैं? बोले कृष्ण की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, कहते कृष्ण तो सुंदर है ही है, कहते उसमें जो कपड़ा पहनाते हैं, उसमें जो अलंकार पहनाते हैं, वो कपड़ा अलंकार की सुंदरता बढ़ती है, कृष्ण का सुंदरता नहीं बढ़ता है, हैं? कृष्ण का इसलिए कहते कृष्ण अपना कपड़े क्यों पहनते हैं, हैं? बोले उनको पर नज़र नहीं लग जाए, कृष्ण इतने सुंदर है उनको ऊपर में किसकी नज़र नहीं लग जाए, इसलिए कृष्ण ये कपड़े से अपना शरीर को ढके हुए रखते हैं, हैं? इसलिए ढक करके रखते हैं, नज़र नहीं लग जाएगा। इसलिए कहते उसी समय कृष्ण को जब गोपियां दर्शन करती हैं, कहते त्रुटि जुगायते त्वांगम पश्यताम, जैसे देखा जैसे कोई चीज़ को देखते हैं, आग की पलक झपती हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कब झपता और कब बंद होता है, पता चलता है पता नहीं चलता है, लेकिन उतना समय में भी गोपियों को लगता है जैसे करोड़ करोड़ काल बीत गया कृष्ण को दर्शन के बगैर। इसलिए कभी कभी गोपियां राधा रानी कहती हैं रसिक तो वही है जो आँख का जो पलक है ना उसको काट कर फेंक दो, हाँ वो रहता है तभी तो पलक झपती है ना, अगर ये अगर पलक रहेगी नहीं झपेगी कहाँ, इसलिए कट तो काट कर फेंक दो, हाँ कहते वही लोग रसिक है जिनकी आँखों की पलक झपती नहीं, एक आँख टक टक लगाकर कृष्ण को दर्शन करते रहे, हैं? इसलिए फिर वेणु गीत से एक दो श्लोक वहाँ पर देते हैं, बोले अखुनताम फलमिदम न पार विदम, कहते हमें जो आँख मिला है, कहते आँख का सार्थकता किसी में है, बोले आँख का सार्थकता और किसी में नहीं, बोले फलमिदम न पार विदम, इसका और किसी चीज में फल नहीं, इसका फल है जब भगवान को कृष्ण को दर्शन करे। ब्रज सुतयो रवनु वेणु जुष्टम, यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं वो दो तीन अर्थ लगाते हैं, हैं? दो तीन अर्थ लगाती हैं, गोपियाँ घर में बैठी हुई और बैठ बैठ करके अपना भाव नेत्र से कृष्ण कैसे सखाओं को साथ में कैसे कृष्ण गोचारण करने के लिए जाते हैं, और कृष्ण कैसे सुंदर कैसे बेस रचना की, कैसे कृष्ण अद्भुत सुंदरता घर में बैठ बैठ करके कृष्ण रूप को वर्णना कर रही हैं, कि तारी से क्या घर में क्यों बैठ बैठ कर जीवन को बर्बाद करो, चलो घर छोड़ कर चलो, बोले कहाँ, बोले जाकर कृष्ण का रूप का दर्शन करो, बोले जो सांस ननंद यहाँ पर है, बोले सांस ननंद परिवार लोग तुमको बचने देंगे, हाँ उस समय तो बहुत मर्यादा में रहना पड़ता है ना, अपना इच्छा मर्जी कहीं घूमने लड़कियाँ नहीं जा सकती, सब वहाँ मर्यादा है, इसलिए कहती यहाँ बैठ बैठ कर आँखों को क्यों बर्बाद कर रहे हो, चलो कृष्ण को दर्शन करने के लिए जाए। जो परिवार वाले बोले कटाक्ष समुक्षम, जब कृष्ण एक बार किसको दर्शन करते हैं ना, उनको दर्शन करते ही हाँ उनको कटाक्ष बढ़ते ही ये जितना बंधन सबके सब बंधन अपने आप टूट जाएगी, ये बंधन सब खत्म हो जाएगी, इसलिए कोई चिंता मत करो। आँखों वालों का दर्शन कहीं तो बोले अणु अणु मतलब पहले बलदेव प्रभु चलते हैं, हैं? बलदेव प्रभु उसको पीछे 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 कौन चलते हैं, कृष्ण चलते हैं, बोले आँखों का सार्थकता है बलदेव प्रभु का पीछे पीछे जो चल रहे कौन, जो कृष्ण हैं उनका दर्शन करना ही ये आँखों का सार्थकता है। कभी एक साधारण अर्थ बताया, फिर दूसरा अर्थ क्या बताया, दूसरा अर्थ बताए तभी ये आँखों का सार्थकता है जब इन्हीं आँखों से श्री जुगल सरकार के दर्शन हो, राधा कृष्ण जब दोनों का दर्शन हो तभी ये आँखों का सार्थकता है। लेकिन यहाँ पर कहते जो मंजरियों का जो भावना किया है, हैं? मंजरियों का जो भावना किया है, कहते आँखों का तभी सार्थकता है पहले कृष्ण चलते हैं, कृष्ण उसको पीछे जो राधा रानी चलती हैं, राधा रानी को दर्शन करना ही आँखों का सार्थकता है। और पहले कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, कभी कभी कृष्ण बंसुरी को लेकर श्री कभी कभी श्री राधा रानी भी बंसुरी बजाती हैं, इसलिए आँखों का सार्थकता तभी है जब श्री राधा रानी को बंसुरी बजाते हुए
श्री राधा रानी को दर्शन करो, तभी इन आंखों का तभी सार्थकता है। इसलिए यहाँ पर कहते गोप्य स्तप किमाचर किमाचरित है लाभन्यसार असमर्थ। यहाँ पर कहते हैं गोप्य स्तप किमाचरित, इसलिए यहाँ पर कहते हैं गोपियों ने क्या ऐसे तप आचरण किया है, है? क्या ऐसे तप आचरण किया है गोपियों ने जो कि भगवान की जो अद्भुत जो रूप को उन लोगों ने दर्शन कर रहे हैं, भगवान के अद्भुत रूप को जो दर्शन कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण दर्शन ही जीवन का सार है। इसलिए यहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर का एक कीर्तन है, जानते हो कीर्तन क्या है? कहते जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन जार भाग्य होए आछे कबार। कहते उसका ही जीवन सार्थकता है। किसका जीवन सार्थकता है? कृष्ण दर्शन जार, जिसने जीवन में एक बार कृष्ण दर्शन किया उसका जीवन ही सार्थकता है। भाग्य होए अच्छे एक बार, अगर भाग्य में एक बार अगर उनका दर्शन हो जाए तभी ये जीवन का धन्य है। इसलिए वो कीर्तन में कृष्ण की पूरा सुंदरता का वर्णन किया है, हैं खुले चरण कमले अमिया उछले, उनका चरण में जो अमृत छलक रहा है जिनके चरण में, और उनका चरण अशोक अभय अमृत है। भक्तिमय ठाकुर ने बड़ा सुंदर कीर्तन लिखा है। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं जो कृष्ण जगत में आने का जो दूसरा कारण बता रहे हैं, कृष्ण सोच रहे मैं इतना सुंदर हूँ जिस रूप को देख कर लक्ष्मी स्वयं मुक्त हो जाती है। इसलिए बेल वन में कठोर तपस्या कर रहे हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी की बात छोड़ दो, जब नारायण भी कृष्ण की सुंदरता को देखते वो भी स्वयं मुक्त हो जाते। इसलिए बच्चों का चोरी करते हैं, हाँ बच्चों को चोरी करते हैं कैसे कृष्ण का दर्शन हो, तुम लोग तो सुने होंगे। इसलिए उसमें बताए भले नारायण की बात छोड़ दो, भले कृष्ण ने माधुर्य जी देखी वासुदेव को, मतलब है जो वृंदावन का कृष्ण और मथुरा से कृष्ण, मथुरा के कृष्ण, मथुरा के कृष्ण जब श्री वृंदावन का कृष्ण का माधुर्य जी को दर्शन करते हैं इनका मन भी उथल पुथल मच जाती है। मतलब कृष्ण इतने सुंदर वृंदावन में, और वृंदावन का कृष्ण जब अपना रूप का दर्शन करते हैं वो भी पागल हो जाते हैं। और रूप को कौन आस्वादन करती है? पूर्ण रूप में श्री राधा रानी आस्वादन करती है। इसलिए महाप्रभु जगत में आने का ये एक दूसरा कारण है। तो तीसरा कारण क्या है जगत में क्यों आए है? तीसरा कारण बताए बले अत्यंत निगूढ़ ऐ रसेर सिद्धांत स्वरूप गोसाई मात्र जाने ने एकांत। यहाँ पर कह रहे हैं ये जो सिद्धांत है ये बहुत बहुत ही निगूढ़ है, मतलब बहुत गोपनीय चीज है। कहते ये चीज को कौन जानता हो? तो जानता है कौन? बोले एक व्यक्ति जानते हैं, कहते श्री स्वरूप दामोदर। कहते स्वरूप दामोदर कौन है? कहते श्री ललिता सखी। इसलिए आज जिनकी जन्मतिथि है, हैं केवल ये सिद्धांत को निगुड़ सिद्धांत को केवल श्री ललिता सखी जानती हैं। मेरे कारण है जो ललिता सखी ये और कोई नहीं राधा रानी ही अपना कृष्ण सेवा के लिए अपनी आप को ये दूसरे रूप में श्री ललिता सखी रूप में दिए स्वरूप दिया है। इसलिए राधा रानी के हृदय में जो जो भावना है कहते इनके हृदय में सारे भावना अपने आप इनके हृदय में प्रकाशित होता है। इसलिए केवल स्वरूप दामोदर ये सिद्धांत को निगुड़ सिद्धांत को जानते हैं। यदि कह जाने तहा थे के गोपी गणेरे प्रेम रूढ़ भाव निर्मल। इसलिए यहाँ पर कह रहे अगर जगत में और किसको थोड़ी बहुत अगर पता है, बोले किसको पता है? अगर स्वरूप दामोदर की कृपा अगर किसी व्यक्ति के ऊपर में हो जाए तभी वही चीज समझ सकते हैं। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के सामने जब नृत्य कर रहे थे जगन्नाथ जी को दर्शन करते हुए एक एक साधारण काव्य शास्त्र का श्लोकों को उच्चारण कर रहे थे, उसको कोई नहीं समझ रहे थे महाप्रभु भावना। महाप्रभु श्री राधा जी के भाव में केवल एक व्यक्ति समझ रहे थे श्री स्वरूप दामोदर, फिर ये चीज को फिर समझे श्री रूप गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी केवल इस सिद्धांत को समझे, हाँ
इसलिए काम, इसलिए कहते वो जो गोपियों का जो प्रेम है, कहते ये साधारण कोई काम नहीं, ये जगत का कोई जड़ वस्तु जड़ कोई काम नहीं, वो शुद्ध निर्मल है। हाँ, निर्मल है। इसलिए कहते लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म लज्जा धर्ज देह सुख आत्म सुख मर्म दुस्तज आर्ज पथ निज परिजन स्वजन करे जतो ताड़न भर्षण सब त्याग करी करे कृष्ण भजन कृष्ण सुख हेतु कार प्रेम सेवन इहा ते कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग स्वच्छ धौत वस्त्र जैसे नाही को न दाग। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये राधा रानी का जो प्रेम है, गोपियों का प्रेम कैसे है, इनका प्रेम कैसे है, यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में ये बात को बता रहे हैं। तो देखो, भगवान को पाने के लिए ना ये जगत का सारे धर्म को त्याग देना पड़ता है, तभी जाकर के भगवान को कोई पा सकता है, नहीं तो नहीं पा सकता है। इसलिए बरसाना गए हो, हाँ देखना वहाँ पर के साकरिक हो रहे, साकरिक हो रहे है ना, देखा कि नहीं साकरिक हो रहे। हाँ, इसलिए दो पर्वत हैं, दो पर्वत के बीच में हैं केवल एक, ऐसे वो बीच बना हुआ जैसे उसमें केवल एक व्यक्ति जा सकते हैं, एक व्यक्ति को छोड़ करके दो व्यक्ति उसमें जा ही नहीं सकते। कहते क्यों, कारण क्या, बोले कहते प्रेम गली अति साकिरी ताहे ना धोए समार। जो प्रेम का जो गली है ना वो बड़ी पतली गली है, उसमें दो व्यक्ति समा नहीं सकते हैं, उसमें केवल एक व्यक्ति जा सकते हैं, एक व्यक्ति। मतलब क्या है, कहते भगवान को प्रेम करना, तो भगवान कहते ना सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, तू सारे धर्म को छोड़ करके केवल मेरे शरण में तू आ जा। हाँ, जिसको कृष्ण गीता में लास्ट जो उनका उपदेश है, मन मना भव, मन है ना, और किसी को मन मत दो। मन देना तो किसको दो, केवल मन तो मुझे दे दो। कहते भक्त बने तो किसका बने, बोले मेरा ही भक्त बनो। कहते पूजा करे तो किसकी पूजा करे, बोले मेरी। कहते प्रणाम करे तो किसको करे, बोले मेरी, मेरे को करो। हाँ, तो ऐसे करने से क्या होगा, बोले माम एससी, फिर तुम लास्ट में तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, मुझे ही प्राप्त करोगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे जो राधा रानी का जो प्रेम, जो गोपियों का जो प्रेम को यहाँ वर्णना करते हैं, उनको पाने के लिए सारा जगत का लोक का धर्म है, जगत में जितने बंधन हैं। इसलिए कृष्ण जब बंसी बजाई, गोपियों ने जब सब कुछ छोड़ करके आए, हैं अपना पुत्र, कोई रसोई बना रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई वहां पर श्रृंगार कर रही थी, उन्होंने क्या किया, सब कुछ त्याग देकर कृष्ण के पास में आए। तब कृष्ण क्या कहते, बोले स्वागत मे महाभागा, तुम सबको मैं स्वागत करता हूँ। क्यों, जगत में सबसे बड़े भाग्यवान तुम लोग हो, क्योंकि सारे बंधन को तुम लोगों ने छोड़ करके केवल मेरे को, तुम लोगों ने केवल मेरे को कनिष्ठ रूप में प्रेम किया। इसलिए कृष्ण कहते हैं न पारे अहम निरभद्र संजुजा। इसलिए कृष्ण सब जगह में अपना प्रतिज्ञा को, उन्होंने सारे जगह में अपना प्रतिज्ञा करते करते आए, जो मेरे को जैसे भजन करता है मैं उसको ठीक वैसे भजन करता हूँ। लेकिन गोपियों के पास में आकर के कृष्ण फेल हो गए, बोले तुम लोगों का ब्रह्मा जैसे परमायु ले करके भी तुम लोगों का प्रेम का ऋणी कभी मैं चुका ही नहीं सकता हूँ, इतने तुम लोग मेरे को प्रेम किया। इसलिए कहते उनको पाने के लिए जगत का जितने धर्म हैं, कहते लोक धर्म है जो लौकिक धर्म है, कहते जो वेद धर्म है, वेद में जो धर्म की बात बताया, फिर कहते हैं और जितने कर्म और लज्जा, जितने लज्जा है, जो धैर्य है, देह सुख है, जितना आत्म सुख है, और दुस्तज करे जत ताड़न भर्षण। देखना भक्ति करने के लिए जाओगे परिवार लोग, हैं क्या तिलक कंठी माला लगा लिया, पता नहीं जब इच्छा साधु संग में चली जाती, जब इच्छा कीर्तन भजन कोई काम धाम है नहीं। इसलिए कहते परिवार लोग दुस्तज आर्ज पथ निज परिजन स्वजन करे जतो ताड़न भर्षण। कहते जिस धर्म को त्याग करना अत्यंत कठिन है, कहते जितना परिवार जो ताड़न भर्षण करते हैं, बोले सब त्याग करी करे कृष्ण भजन। देखो
इसलिए इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते ना भैया वृंदावन में मत जाओ, खबरदार वहाँ जाने नहीं। बोले भैया हम तो चाहते वृंदावन नहीं जाते, तो वृंदावन मत जाओ। हाँ हम चाहते कब वृंदावन में जाए, परिक्रमा करे, दर्शन करे, आप करो वृंदावन मत जाओ। बोले भूल से चले गए ना, कैसे तीर्थ घाट में तो प्यार पड़नी नहीं चाहिए। बोले वहीं पर तो मैं खड़ा हुआ हूँ। बोले वहीं पर खड़े हुए हो? बोले हाँ। बोले सावधान, उसको पास में एक गोविंद देव मंदिर है, वो गोविंद देव मंदिर में तो प्यार नहीं पड़नी चाहिए। बोले ऑलरेडी तो हम वहीं पर रहे। बोले वहीं पर हो, ठीक है एक काम कर लो, वो अगर वहीं पर है ना, वहाँ पर जो मंदिर में जो गोविंद भगवान ना, उनको प्रति जैसे नजर ही नहीं पड़े, उनको देखे नहीं। बोले भैया हम तो देख रहे हैं उनको, हम उनको देख ही रहे हैं। बोले तो फिर तो तुम्हारा हो गया, फिर किसी काम का नहीं रह गए हैं। इसलिए स्वरूप नयन हरे कह नहीं घरे फिरे, संसारी जीवर से तो है सर्वनाश। वो रूप को देख रहे ना, जो देखेगा एक बार, पत्नी देखेगा तो पति को भूल जाएगा, पति देखेगा तो पत्नी को भूल जाएगा, बच्चे देखेगा तो पिता माता को भूल जाएंगे, पिता माता देखेगा तो बच्चे को भूल जाएंगे। जो देख लेगा उनको एक बार, फिर तो और किसी चीज को देखने की उसकी इच्छा रहेगी नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हैं? इसलिए कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन, केवल कृष्ण की सुख देने के लिए ही उन्हें जीवन में सब कुछ करते हैं। कति यहाते कही है कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्र जैसे नहीं कनदाग, जैसे किसी एकदम सफेद कपड़े है, हैं सफेद कपड़े में अगर थोड़ी अगर साई की दाग लग जाए ना, फिर तो उसमें वो दाग ही दाग दिखता है। लेकिन जो शुद्ध कपड़ा जैसे कहते, जो शुद्ध प्रेम एकदम कृष्ण का प्रति जो दृढ़ अनुराग वो प्रेम भी वैसे है। इसलिए कहते गोपियों के अंदर में जो काम है संसार का, जो काम कहते गंध तक भी नहीं, वो जो कुछ करती है केवल सुकृष्ण सुख के लिए, कृष्ण सुख के लिए करते हैं। बोले जते सुदात चरणम ब्रूहम स्तनेशु, तो यहाँ पर एक उन्होंने श्लोक को दे करके ये बताई, वहाँ पर कह रहे हैं बोले हे श्याम सुंदर, तुम अपना चरण कमल को हमारे बख्य स्थल के ऊपर में रखो। हाँ लेकिन हमारे बख्य स्थल तो अत्यंत कठोर है, लेकिन तुम्हारा तो चरण अत्यंत अत्यंत कोमल है, हमारे चरण अत्यंत अत्यंत कोमल चरण है तुम्हारी, हैं इसलिए कि तुम्हारी चरण कोमल चरण में तो कर कोई कष्ट तो नहीं होगा, हैं कोई तो कष्ट तो नहीं होगा। इसलिए ये कहते जिनके अंदर में किसी तरह का कोई अपना सुख की गंध तक भी नहीं, हाँ गोपी काछे भंग तब ऐसे निज देह प्रति, तो यहाँ पर कह रहे हैं आप बता रहे हो गोपियों के अंदर में कोई कामना वासना नहीं, शुद्ध प्रेम है, लेकिन जब गोपियाँ जब अपना शरीर को श्रृंगार करती हैं, शिष्या को सामने खड़े होकर के हाँ सुंदर काजल लगाती है, सिंदूर का ब्यूंद लगाती है, अपना जो श्रृंगार करती है, बड़े सुंदर जो कपड़ा पहनती है, फिर ये क्या चीज़ है, फिर अपना शरीर को फिर वो क्यों श्रृंगार करती है, कारण क्या? कहते इसलिए श्रृंगार करती है हमें देख करके कृष्ण सुखी हो, हाँ हमको देख करके कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण प्रसन्न हो इसलिए वो श्रृंगार करती है। लेकिन हमारे अंदर में क्या भावना है, हम अपना सुख के लिए अपना स्वयं सुंदर देखे, हैं हम स्वयं सुंदर हम दिखे इसलिए हम करते हैं, लेकिन वो जो करती हैं वो अपना सुख नहीं, हमको देखकर कृष्ण सुखी होंगे। और जब कृष्ण सुखी होते हैं ना, उसको देख करके इनके अंदर में हृदय इनका फूल जाता है, हमको देख कर कृष्ण खुश हो गए, फिर हमारे श्रृंगार करना हमारी सार्थकता हो गई। इसलिए इनके अंदर में किसी तरह का कोई काम की भावना है नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे उनकी जो एक अद्भुत प्रेम है, जो बद्ध जी भी जो चीज़ को समझ नहीं सकते हैं, हमारी बुद्धि से अतीत उनकी प्रेम है। अनंत गोपी शोभा देखे कृष्ण शोभा बाढ़े जत, कृष्ण शोभा देखी गोपीर बाढ़े तत, ऐ मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी परस्परे बाढ़े कहो मुख नहीं बड़ी। मतलब कृष्ण को रूप देखकर गोपियों के आनंद होता है, गोपियों का आनंद देखकर कृष्ण बढ़ते हैं, कृष्ण आनंद देखकर गोपियों के हृदय में राधा जी के हृदय कहते उनको अंदर में दोनों में ऐसे ही प्रेम बढ़ते 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 प्रेम जाता है। इसलिए यहाँ पर
जो यहाँ पर तीन कारण जो बताया, कहती ये जो बात है ना, यहाँ पर प्रभुपाद ये बात को कह रहे हैं, कहती ये एक अद्भुत बात है, इस राधा रानी का जो प्रेम है कहती अद्भुत है। जिस प्रेम का हमने सुना ब्रह्मा शंकर नारद आदि के लिए भी जो प्रेम दुर्लभ है, तब यहाँ प्रश्न होता है फिर उन्होंने ये सब चीज़ को फिर क्यों बता रहे। अगर ये प्रेम अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है फिर प्रेम को उन्होंने फिर जगत में फिर इस चीज़ को क्यों बता रहे। तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अगर ये चीज़ को हम नहीं बताएंगे फिर क्या होगा, धीरे 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 ये वस्तु खत्म हो जाएगी। ये चीज़ धीरे 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 जगत से खत्म हो जाएगी जगत में। इसलिए इसी विषय को ऊपर में श्रील प्रभुपाद बड़े सुंदर प्रभुपाद बड़े सुंदर बात कहते हैं। कहते जो अभक्त है उनको उदाहरण दिया वो ऊंट है। जैसे ऊंट, अब देखो उनको कोई सुंदर सुंदर कोमल कोमल कोई पत्ता दो ना वो खाएगा नहीं। ऊंट देखेगा कहाँ पर कांटा का वृक्ष है, उसको कांटा वृक्ष ही अच्छा लगती है, इसलिए कांटा वृक्ष ढूंढता है। कि ठीक उसी तरह अभक्त ओष्टर इथे ना है प्रवेश, कहते जो अभक्त रूपी जो ऊंट है कहते इसमें उनकी प्रवेश नहीं। बोले इसमें प्रवेश किसका है, कहते इसमें उदाहरण देते हैं जैसे कोयल है, हैं कोयल क्या खाती है, बोले जो आम में जो फूल होता है उसमें जो शहद होता है, कहते वो शहद को ये कोकुल उसका आस्वादन करते। कहते जो भक्त है ये कोयल जैसे है, ये कोयल जैसे ये भगवान की जो दिव्य मधुर लीला है, कहते ये भक्त लोग उसी में ही डूबे रहते हैं। कहते जो ऊंट है कहते उनको इसी विषय में उनको इसमें प्रवेश अधिकार नहीं, ये सब कथा को सुनते नहीं। इसलिए आम्र पल्लव कोकिल जे रूप समादर करे तद्रूप भक्तगण याते परम प्रीति लाभ करें। पख्यांतरे उष्ट्र जे रूप कांटक आदि द्वारा जीवा के क्षत विक्षत ना कराया आम्र पल्लवादि खाई ते वासना करे ना तद्रूप अभक्त कर्मी ज्ञानी अन्याभिलाषी मिच्छा भक्त रूप उष्ट्रगण ये सब सिद्धांत कुतर के निर्माण करे। यहाँ पर कहते हैं प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे ऊंट है वो जैसे कांटा खाता रहता है और क्या करता है उसको मुंह से खून निकलता है और उसी खून को पीता रहता है। कहते जो अभक्त, कहते अभक्त कौन, बोले ज्ञानी कर्मी जोगी अन्याभिलाषी था। वो क्या करते हैं, वो दिन भर क्या करते हैं, दुनियादारी संसार की बात में उसमें ही अपना मन को डुबा करे रखते हैं। उनको ये भक्ति अच्छी नहीं लगती है। लेकिन भक्त क्या है, कहते कोयल है, जैसे कोयल जैसे आम्र का जो मधु का आस्वादन करते हैं वो लोग, जो भगवान की ये दिव्य लीलाओं को श्रवण करते हैं वो लोग इसमें डूब जाते हैं, यही इनको आनंद प्रदान करता है। लेकिन ऊंट जो है अभक्त रूपी जो ऊंट है कहते उनको ये सब लीला अच्छी नहीं लगती हैं। बोले कृष्ण चिंता आमी पूर्णानंद रूप और आमा थे के सब आनंद आमा थक गए। इसलिए यहाँ पर कृष्ण सोच रहे सारा दुनिया में तो पूर्ण आनंद रस स्वरूप हो, सारा दुनिया हमसे आनंद को प्राप्त करते हैं, लेकिन जब मैं राधा रानी को दर्शन करता हूँ मेरे रूप देख करके सारा दुनिया पागल होता है, लेकिन जब मैं राधा रानी का रूप देखता हूँ मैं स्वयं पागल हो जाता हूँ। पता नहीं राधा रानी के रूप में क्या है, हाँ क्या उसको प्रेम में, जिसके लिए हमारे प्रबोध श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बोले बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंड भ्रष्ट स पीत वसनम ब्रजराज सुन। गुरुदेव बड़े सुंदर कथा सुनाते हैं भांडरी व्रत में। एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में मल्ल युद्ध कर रहे थे, मल्ल युद्ध लड़ रहे थे। इतने में ललिता सखी आई, बोले सखाओं को बोले यहाँ क्या करते हो, बोले हम यहाँ पर मल्ल युद्ध खेलते हैं। बोले मल्ल युद्ध ये तो किसी अच्छे पुरुषों के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का काम, तुम तो गैया चराने वाले, तुमको क्या मल्ल युद्ध आता है। बोले ज़्यादा हमको बोला मत करो, हमारा जो मालिक है ना कृष्ण है, हैं ये कृष्ण हमारे सबसे बड़े जो योद्धा कृष्ण है। ललिता बोलती है जानते हो हमारा जो मालिक यानी श्री राधा रानी और तुम्हारी मालिक और हमारे मालिक यानी में लड़ाई हो जाए, पता चलेगा किसको किसको मल्ल युद्ध अच्छा आता है।
बोले ठीक है, अभी जो मैदान है ना, अभी कृष्णा वहाँ पर खड़े हुए, इतने में से राधा रानी, अभी कुंज से राधा रानी आने वाली, निकल करके आने वाली। इतने में जब कृष्ण ने राधा रानी का नाम सुने, उनका शरीर तो कांपने लग गया, उनका शरीर कांपने लग गया कब राधा रानी का नाम सुनते ही। अभी सखा लोग उनको पकड़े, बोले कृष्ण अभी तो उनका जो पहलवान, उनका जो खलीफा मूल अभी आए नहीं, तो पहले से नाम सुनकर कांप रहे हो। बोले पता नहीं, राधा रानी का नाम सुनते मेरे शरीर हैं कांपने लगे। बोले ठीक से खड़े रहो, अगर तू हार गया तो हम ही हार जाएंगे। इतने में से राधा रानी जब कुंजे से कमरा निकली, और एक बार उनने तेरे चित्तवन से कृष्ण को दर्शन किया, बस उनको दर्शन करते ही तो कृष्ण वहीं पर गिर पड़े। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंडम, है जब श्री राधा रानी एक तेरसी चित्तवन से कृष्ण को दर्शन करती है, बोले कृष्ण का जो बंसुरी ना हाथ से गिर जाती है, फिर इनकी जो मोरपंख वो भी गिर जाती है, कभी कभी कृष्ण का जो वस्त्र वो भी कभी कभी गिर जाती है। इसलिए केवल राधा रानी के तेरसी चित्तवन पर। और गुरुदेव और कभी कभी सुनाते हैं, कभी कृष्ण और राधा रानी में मल्ल युद्ध हो, राधा रानी अपना कपड़े को कस करके अच्छे तरह से, कृष्ण भी अपना फेटक बांधे, और दोनों में मल्ल युद्ध हो। मल्ल युद्ध होते होते राधा रानी ऐसे कृष्ण को मारे ना, कृष्ण एकदम नीचे गिर गए, और कृष्ण का छाती के ऊपर राधा रानी आ गई। आ गई तो सखा लोगों ने बड़ी जोर से ताली बजाया हमारे, हैं हाँ, इतने में सखी लोगों ने बड़ी जोर से ताली बजाए, हमारे से राधा रानी कृष्ण को हाँ हरा दिया। इतने में कृष्ण कहता है, भैया तुम लोग ताली क्यों बजा रहे? बोले तुमने हार गया ना, तेरे पीठ जिसका पीठ नीचे लग जाए कहते तो वही हार जाता है। बोले तू हार गया? बोले मैंने हार नहीं, राधा रानी हार गई। हम कहते ना तुम्हारे नाक को हम नीचे दिखा देंगे, हाँ कहते ना तुम्हारे नाक को हम नीचा दिखा देंगे। बोले किसका नाक ऊपर में देखो, हाँ और किसका नाक नीचे है? राधा रानी कृष्ण के ऊपर में, राधा जी का नाक नीचे और कृष्ण का नाक ऊपर है, इसलिए मेरा नाक ऊपर है ना, मैंने जीता ना, राधा रानी जीती। फिर सखा ने बड़े जोर से ताली बजाई, बोले नहीं हमारा कृष्ण तो जीत गए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण सोच रहे हैं, सारा दुनिया मेरे रूप को देख करके सारा दुनिया मुक्त हो जाते, लेकिन जब मैं श्रीमती राधा रानी का रूप देखता हूँ मैं स्वयं मुक्त हो जाता हूँ। पता नहीं सारा राधा रानी के प्रेम में क्या है, राधा रानी का रूप में। दूसरा कारण यहाँ पर बता रहे हैं, कहते कृष्ण का जो बंसी ध्वनि है वो त्रिभुवन को आकर्षण करता है, इसलिए भागवत में पूरा एक वेणु गीत वर्णना किया है, वेणु गीत वर्णना किया। और चार माधुर्य में उनका एक माधुर्य है, त्रिजगत मानस आकर्ष मुरली कलकुजित, मतलब बंसी ध्वनि को सुन करके जो त्रिजगत है उनका मन को आकर्षण करता है, मेघ से बारिश होने लग जाती है, पेड़ से मधु झरने लग जाता है, हैं और पक्षी सब मुनि बन जाते हैं, जमुना नदी उल्टी बहने लग जाती है, कृष्ण रूप और हिरण आकर के भगवान को, कृष्ण को आँख रूपी आरती को द्वारा कृष्ण का आरती उतारती है, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं बंसी ध्वनि सुन करके। इसलिए कृष्ण चिंता कर रहे हैं, कृष्ण चिंता करते हैं, भैया सारा दुनिया मेरी बंसी ध्वनि सुन करके, बोले बंसी त्रिभुवन आकर्षण करती मेरे बंसी ध्वनि सुन करके। और क्या है, कहते मेरे अंदर में मेरी जो गंध है, कृष्ण का शरीर में एक सुगंध है, और कृष्ण शरीर में जो सुगंध है कहते त्रिभुवन को मोहित कर देती है, कृष्ण के अंदर में जो सुगंधी। लेकिन सारा दुनिया तो मेरी बंसी सुनी करके सारा दुनिया मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन जब मैं राधा रानी की गला की आवाज़ सुनता हूँ ना, मैं स्वयं मुक्त हो जाता हूँ। राधा रानी की बोली इतनी मीठी बोली, इतने सुंदर बोली से राधा रानी की, उसकी बोली सुन करके मैं स्वयं मुग्ध हो जाता हूँ बोली सुन करके। और सारा दुनिया मेरी शरीर का सुगंध से सारा दुनिया उन्माद हो जाते हैं, लेकिन जब राधा रानी के शरीर का सुगंध को मैं प्राप्त करता हूँ, हाँ मैं स्वयं मुग्ध हो जाता हूँ, मैं स्वयं मुग्ध हो जाता हूँ। इसलिए अभी कृष्ण सोच रहे हैं, भैया राधा रानी को सारा दुनिया, कहते मेरे शरीर इतने कोमल है, कहते मेरे शरीर को स्पर्श पा करके सारा दुनिया पागल हो जाते हैं, लेकिन मैं जब श्री राधा रानी के शरीर को स्पर्श करता हूँ,
तो मैं स्वयं पागल हो जाता हूँ, स्वयं मैं मुग्ध हो जाता हूँ, मेरे शरीर इतने सुशीतल है, मेरे शरीर है कहते ना बहुकोटि चंद्र जिनी बदन उज्जवल, मेरे शरीर अत्यंत तो सुशीतल मेरे शरीर है, लेकिन जब मैं राधा रानी को शरीर को स्पर्श करता हूँ, मेरे शरीर से भी ज़्यादा सुशीतल श्री राधा रानी का शरीर, उनका शरीर स्पर्श करके मैं स्वयं सुशीतल हो जाता हूँ। राधा रानी की शरीर इतने कोमल और इतने सुशीतल राधा रानी की, हाँ कहते त्रिभुवन मेरे को देख करके सारा दुनिया में इस कोई व्यक्ति नहीं मेरे रूप देख करके जो मुग्ध नहीं हो जाता, सभी का प्राण शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है, लेकिन मैं जब श्री राधा रानी को दर्शन करता हूँ मेरे हृदय ठंडा हो जाता है, मेरे हृदय ठंडा हो जाता है, मेरे हृदय हैं कहते अमार भ्रमे अमारे करे आलिंगन कृष्ण स्वगत, अमार भ्रमे तमाल रे करे आलिंगन, कहते श्रीमद राधा रानी कहते ये मैं जब राधा रानी का गंध में मैं स्वयं पागल होता हूँ, मेरे गंधे से दुनिया पागल होता है, लेकिन राधा रानी गंधे से मैं स्वयं पागल हो जाता हूँ, इसलिए जे सुखो पायता हरिषा या पूर्ण, इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं जरूर ये राधा रानी के अंदर में कोई एक दिव्य वस्तु है, राधा जी में कोई एक दिव्य वस्तु है, सारा दुनिया को मैं पागल करता हूँ और मेरे को स्वयं राधा रानी पागल करती है, इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं मैं जब तक श्री राधा रानी की भाव को और उनके अंग कांति को नहीं लगूंगा तब तक ये रक्षित जी को मैं आस्वादन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए श्रीमन महाप्रभु हैं श्रीमन महाप्रभु रूप में इसलिए आए, इसलिए महाप्रभु रूप में इसलिए जगत में आए और आकर के स्वयं राधा रानी जैसे कृष्ण प्रेम में कहते ना कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमा राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, इसलिए ये कृष्ण केशव क्यों कहते हैं हाँ क्योंकि श्रीमन महाप्रभु भी राधा रानी के भाव में है राधा रानी का भाव से इसलिए वो कृष्ण केशव बोलकर कृष्ण को पुकारते हैं, बोले राम का नाम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, फिर यह राम का नाम क्यों ले रहे हैं, बोले दशरथ नंदन राम का नहीं राधा रमन राम का नाम लेकर के हे श्याम सुंदर रक्षमा मतलब तुम्हारी विरह रूपी ज्वाला से हमें रक्षा करो, इसलिए यहाँ राधा जी की भाव लेकर के कृष्ण स्वयं कृष्ण का नाम कृष्ण का है उनका रूप गुण को उसमें आस्वादन करते हैं, इसलिए कारण है श्री राधा जी की प्रेम की महिमा को समझने के लिए, ठीक है बोले श्रीमती राधा रानी की निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि वो वंशाकल कृपा सिंधु भाई वच पतान पावने भो वैष्णव भो नमो नमो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नितय गौर हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल बंद करता।